आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटर छोले की रेसिपी। ये समोसों के साथ ये सर्व की जाती है ये छोले, तो ये रेसिपी आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं और इसे खा सकते हैं पराठे, पूड़ी, चावल या समोसे के साथ। तो ये इजी रेसिपी आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ स्टेप टू स्टेप। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें और ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई करें। बिना वीडियो को देरी करे स्टार्ट करते हैं और आज बनाते हैं टेस्टी सी एक रेसिपी। ये मटर छोले की रेसिपी आज मैं कुकर स्टाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर में तेल डाल करके अच्छे से गर्म कर लिया है। फिर ऐड कर रही हूँ तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। फिर साथ ही मैंने डाला है थोड़ी सी हींग, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और मटर में ये डालना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा। अच्छे से ये ब्राउन हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए प्याज। तो इसमें मैंने कटे हुए प्याज मोटे मोटे पतले पतले जैसे आपको काटने हैं वो आप कट करके डाल दें और इसे 2 मिनट तक अच्छे से पका लें। और मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई सा भी तेल इसमें आप यूज़ कर लें, पर अगर आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो उसका जो फ्लेवर आता है मटर छोले में वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ 2 मिनट अच्छे से मैंने कुक कर लिया है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने कूट लिया है और इसी को ऐड कर दिया। आप चाहे तो फाइन पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची इसमें ऐड करें। अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है तो हरी मिर्ची थोड़ी सी अधिक डालें। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। 1 मिनट इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे ताकि जो लहसुन हमने डाला है वो अच्छे से जो उसका फ्लेवर हो प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से 1 मिनट चला लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए टमाटर, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। तो टमाटर डालने के बाद भी इसे 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे। और टमाटर डालने से इसका फ्लेवर जो होता है मटर में वो बहुत ही अच्छा आता है और इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा दिखता है। पर टमाटर डालने से थोड़ा सा खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है मटर में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें। फिर मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, ये कलर बहुत अच्छा देगा आपके मटर छोले को। फिर यहाँ पे मैंने डाला है जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और साथ ही में मैंने डाला है छोले मसाला। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ये मसाला ज़रूर डालें अपने यहाँ मटर छोले में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने जितने मसाले ऐड किए हैं उससे भी बहुत अच्छे छोले मटर बनते हैं। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे कि ताकि आपके मसाले जो हों वो अच्छे से पक जाएं। और प्याज टमाटर भी इस तरीके से ही पकाने हैं, ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसे मटर के साथ पकाएंगे तो वो ऑलरेडी पक जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है सफ़ेद मटर, तो इस तरीके से मैंने 6 घंटे के लिए इसे पानी में सोक कर लिया था। तो ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं, मैंने इसे बॉईल नहीं किया है, अभी ये कच्चे हैं। और यहाँ पे मैंने कुकर में ऐड कर दिया है, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने मसालों के साथ और 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए मटर के साथ। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे चलाते हुए, तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से थोड़े से पक गए हैं। फिर मैंने इसमें ऐड किया गरम पानी, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा पानी एक्स्ट्रा ऐड कर लें, पर मैंने यहाँ पे 3 कप पानी ऐड कर लिया है। और मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है, अगर आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं उसमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, उससे आपकी सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मैंने पानी ऐड कर लिया है और एक बॉईल बहुत अच्छे से आ गया है। तो बस मैं यहाँ पर कुकर के लिड लगा करके 3 विसिल आने तक का वेट करूँगी मीडियम फ्लेम पर। फिर कुकर का लिड अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद खोलेंगे, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे पके हैं और इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से चला लूँगी, तो आप देख सकते हैं मटर कितने अच्छे से पके हैं। तो मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि एक एक मटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं और कलर कितना बढ़िया आया है। इसमें ऐड कर दिया धनिया पत्ती और मिक्स कर लें अच्छे से और सर्व करें अपने फैमिली में। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जो आपको मैंने शेयर करी, इजी तरीके से जो छोले
हम खाते हैं समोसे के साथ, तो ये छोले आप पराठे, चावल, पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें।